आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI के Q4 रिजल्ट्स के बारे में। देखिए, कंपनी ने अभी देखिए अपने Q4 नंबर्स पेश कर दिए हैं, कैसे नंबर्स निकल के आए हैं और यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे अब आपको 450 के लेवल्स बहुत ही आसानी से देखने को मिलेंगे। कंपनी के द्वारा देखिए डिविडेंड भी दिया गया है, तो यहाँ पे कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है, आपको आगे क्या करके चलना होगा स्टॉक में, तो दोस्तों आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल से आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो देखिए, कंपनी के नंबर्स निकल के आए, बेहतरीन नंबर्स निकल के आए और इस बार भी देखिए SBI ने एस्टिमेट्स को बीट किया, एस दैट एक्सपेक्टेशन, जितने नंबर्स देखिए चाहिए थे इतने नंबर्स निकल के आए। तो चलिए सबसे आपको नंबर्स दिखाता हूँ कैसे देखिए नंबर्स निकल के आए हैं। तो देखिए, SBI के Q4 नंबर्स SBI के द्वारा पेश किए गए, यहाँ पे देखिए रिजल्ट आ चुका है, आउटकम निकल के आ चुका है। तो देखते हैं दोस्तों नंबर्स कैसे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम नज़र डालेंगे नंबर्स पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कंपनी की टोटल इनकम। तो देखिए, जो टोटल इनकम रहती भी देखने को मिली है, सबसे पहले हम देखिए 31 मार्च 2020 से अगर कंपेयर करते हैं तो वो देखिए यहाँ पे करीबन 76,027 करोड़ पे थी, जो यहाँ पे बढ़ के आपको देखने को मिल चुकी है करीबन 81,326 करोड़। तो आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ईयर ऑन ईयर कंपनी को बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आई है। अगर हम और आगे देखते तो देखिए, यहाँ पे आपको जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर होता है वो देखिए यहाँ पे भी इनकम और बढ़ती हुई देखने को मिली है, करीबन 75,980 करोड़ पे रहती हुई देखने को मिली थी पिछले क्वार्टर में, वो दोस्तों यहाँ पे देखिए अब आपको बढ़ के 81,326 करोड़ पे रहती हुई देखने को मिली है। तो कंपनी ने देखिए YOY भी बेहतर प्रदर्शन किया, Q1Q भी देखिए कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन आपको करती हुई देखने को मिली है। तो देखिए, अब कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर नज़र डालते हैं। तो देखिए, कंपनी का प्रॉफिट आपको कितना हुआ रहता हुआ देखने को मिला है, सबसे पहले देखिए हम इसके ऊपर नज़र डालते थे। तो देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स, तो देखिए यहाँ पे जो कंपनी का आपको प्रॉफिट रहता हुआ देखने को मिला, हम देखिए PAT देखते हैं एक बार। हाँ, तो यहाँ पे ये रहा, तो देखिए PAT अगर हम देखेंगे तो वो देखिए पहले आपको 31/3/2020 को 3,580 करोड़ पे रहता हुआ देखने को मिला था, जो अब बढ़ के देखिए 6,450 करोड़ हो चुका है। तो अब देखिए यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में YOY में एक बहुत बड़ी बढ़त आपको देखने को मिली है। YOY में देखिए जो रिजल्ट्स निकल के आए हैं वो बेहतरीन निकल के आए हैं। Q1Q में भी देखिए कंपनी ने खासा बढ़िया प्रदर्शन किया है, जो पहले 5,196 करोड़ पे प्रॉफिट था वो देखिए यहाँ पे आपको 6,450 करोड़ पे रहता हुआ देखने को मिला है। तो कह सकते हैं कि देखिए कंपनी ने नंबर्स बढ़िया पेश किए, प्रॉफिट में एक आपको बढ़िया बढ़ोतरी देखने को मिली। अगर हम आगे और नजर डालें कंपनी के नंबर्स पर, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कोई भी स्टॉक के लिए, स्पेशली बैंक्स, तो कंपनीज के NPAs। देखिए, कंपनी के NPAs में आपको कोई खासा बढ़त देखने को नहीं मिली है, जैसे एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम कंपनी के NPAs में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, तो वही आपको देखिए यहाँ पे देखने को मिला है। अगर दोस्तों मैं आपको एक बार इसका समरी करके दिखाता हूँ कि देखिए कंपनी के नंबर्स कैसे निकल के आए, मैंने एक पूरी समरी बना रखी है रिजल्ट्स की। तो देखिए यहाँ पे नेट इनकम जो रही है कंपनी की, वो देखिए 64.5 बिलियन रुपीज़ पर रहती हुई देखने को मिली, यानी 80% YOY आपको बढ़त देखने को मिली है। जो एस्टिमेट रहा है 61.70 बिलियन का, वो था देखिए ब्लूमबर्ग का। कंपनी के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आप देखेंगे 4.98% पर रहते हुए देखने को मिले, जो 4.7% थे पहले। अगर आप कंपनी के प्रोविजन के ऊपर नजर डालें तो कंपनी के प्रोविजन में आपको 6.9% की देखिए बढ़त देखने को मिली है, लेकिन कंपनी का जो लोन है वो देखिए यहाँ पे करीबन लॉस हुआ है करीबन 99.1 मिलियन का, जो पहले 22.9 बिलियन का था। कंपनी के इंटरेस्ट इनकम करीबन 651 बिलियन रुपीज़ आपको देखने को मिली है, जो करीबन 3.9% YOY की बढ़त दिखाती है। कंपनी के एक्सपेंस आप देखिए तो 380.3 बिलियन रुपीज़ पर रहते हुए देखने को मिले, जो 4.7% YOY में डिक्लाइन दिखाती है। कंपनी के अदर इनकम हम देखें तो करीबन 22% बढ़ती हुई देखने को मिली है। और स्पेशल बात, कंपनी ने इस बार डिविडेंड की पेशकश कर दी है, करीबन 4 रुपये प्रति शेयर का आपको यहाँ पे कंपनी के द्वारा डिविडेंड दिया गया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नंबर्स इन लाइन है, जितने नंबर्स देखे जैसे नंबर्स किसको देखने के लिए चाहिए थे, किसी एनालिस्ट को देखे यहाँ पे देखने के चाहिए थे, वैसे नंबर्स निकल के आए। और देखिए स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा है। अब स्टॉक के चार्ट पे अगर हम जाते हैं, फिर आपको यहाँ पे आगे का टारगेट बताऊंगा, आगे आपको यहाँ पे क्या टारगेट्स रखने चाहिए दोस्तों स्टॉक के अंदर। अब देखिए SBI के नंबर्स आने के बाद स्टॉक के अंदर बेहतरीन तेज़ी 400 की तरफ जाता हुआ आपको देखने को मिलने वाला है। 398 के आसपास करंट चल रहा है, 13 रुपये 35 पैसे बढ़ा हुआ है, 13 रुपये 75 पैसे बढ़ा हुआ है, 14 रुपये 30 पैसे बढ़ा हुआ है। तो अब देखिए हर टिक के साथ स्टॉक के अंदर आपको तेज़ी देखने को मिल रही है, स्टॉक में बेहतरीन
बेहतरीन देखिए मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। आप देखिए यहाँ पे अब 400 के टूवर्ड्स बिल्कुल जाता हुआ स्टॉक, और देखिए आज हमारे टेलीग्राम पे मैंने अपडेट कर दिया था एसबीआई को और यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी थी 385 के आसपास, देखिए 400 रुपये आ गया। तो आप समझ जाइए कि देखिए नंबर्स के बाद आपको स्टॉक के अंदर तेज़ी बनती हुई देखने को मिलती है, और नंबर देखिए जिस प्रकार के आए धीरे धीरे, देखिए मार्केट्स नंबर्स को समझता है धीरे धीरे, देखिए स्टॉक बढ़ता है। क्योंकि देखिए रिजल्ट आने के बाद स्टॉक में एक सडन डिक्लाइन देखने को मिल रहा था, एक स्पाइक देखने को मिला था जो डाउन साइड में गया था। ये देखिए स्टॉक के अंदर एक डाउन साइड की स्पाइक बनी, देन उसके बाद नंबर्स समझे मार्केट ने, फिर आप देखिए स्टॉक वापस से ऊपर जा रहा है और दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास देखिए अरीबन यहाँ पे अभी आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि देखिए नंबर्स बढ़िया आए तो स्टॉक में एक तेज़ी बिल्कुल बनती हुई देखने को मिलेगी। स्टॉक देखिए अभी 397-398 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये कह सकता हूँ कि देखिए नंबर्स के कारण देखिए स्टॉक के अंदर डेफिनेटली एक बढ़िया मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन तो करिए, देखिए वहाँ पर आपको आज हमने स्टॉक्स रिकमेंड किया। सबसे पहला जो स्टॉक था मेरा एसबीआई था, क्योंकि देखिए मुझे यहाँ पर काफ़ी कन्विक्शन था, कल भी आपको यहाँ पे वीडियो बना के बताया था कि देखिए तेजी बनती भी आपको देखने को मिलेगी। और अब देखिए नंबर्स में एनपीएस में कोई ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। अगर कोई कंपनी देखिए अपने एनपीएस को संभाल के रख रही है, स्पेशली बैंक्स, तो वो आप देखिए यहाँ पे उसके लिए बहुत ही बेहतरीन कवर है। और आप देखिए एसबीआई बेहतरीन करता हुआ नजर आएगा, हो सकता है कि देखिए 410 रुपए के आसपास भी चले जाए, यहाँ पे बढ़िया क्लोजिंग देखने को मिलेगी। क्लोजिंग के बाद अब देखिए जब यहाँ पे और आपको मंडे को मार्केट खुलता हुआ देखने को मिलेगा, तो आप देखिए स्टॉक के अंदर जो बिल्कुल तेजी बनती हुई देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे करके कुछ नहीं चलना है दोस्तों, खरीदारी करने की सलाह है। करियंट लेवल्स पे आपको यहाँ पे बाय करके चलना है, 400 रुपए तक के लक्ष्य रखने हैं आपको यहाँ पे। आज के तो देखिए 400 तो हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ से जो आगे के टारगेट्स मेरे 430 रुपीज तक के स्टॉप लॉस दोस्तों मेंटेन करके चलना है आपको यहाँ पे, वो होगा करीबन यहाँ से 385 का, तो 385 का स्टॉप लॉस। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह होगी, 430 रुपए तक के लक्ष्य। और एसबीआई बेहतरीन नंबर्स, बेहतरीन तेजी, और यहाँ पे एसबीआई के अंदर यहाँ पे तेजी करने का काफ़ी बढ़िया मौका है। डिविडेंड 4 रुपये का कंपनी की तरफ से दिया गया है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल निश्चित रह सकते हैं स्टॉक बढ़ने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।